फ्रेंड्स, वेलकम टू माई शो मवरिकू। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, 26 जुलाई को होगा या फिर आगे शिफ्ट होगा, कितना होगा, पोस्टपोन्ड होगा, क्या होगा। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो में आप लोग को ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। आज मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो नीट को पोस्टपोन्ड कर सकते हैं और कहाँ तक पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, किस मंथ तक पोस्टपोन कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बात होगी। कल जैसा कि CBSE का 10th का एग्ज़ाम कैंसिल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 12th की जहां तक मैं बात करूं उसका ऑप्शनल एग्ज़ाम हो गया है, अगर आप देना चाहें बाद में तो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, नीट और JEE का भी डिसीज़न आने वाला था जो कि नहीं आया, क्योंकि अभी भी NTA को कुछ टाइम चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ टाइम चाहिए कि वो देख सकें कि क्या क्या कोविड के केसेस किस तरह से आ रहे हैं या आगे कैसे हालात हो सकते हैं। ये तो मेरा मानना है कि किस तरह से वो सोचा जा सकता है। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे होंगे, खासकर ट्विटर पे, नो एग्ज़ाम इन COVID-19, इस तरह के बहुत सारे टैग, नो नीट और पोस्टपोन नीट, इस तरह से बहुत सारे टैग चल रहे हैं और जिनको मास ये मान चलिए कि सपोर्ट भी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं जो इसको रीट्वीट कर रहे हैं, टैक्स को बढ़ाया जा रहा है आगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं कि नीट को कैंसिल कर दिया जाए और इसकी जगह पे कुछ और प्रोसीजर कर दिया जाए जिससे MBBS का एडमिशन हो सके। तो बहुत सारा यहाँ पे पेरेंट्स की भी बहुत सारी पिटिशंस हैं जो कि कोर्ट में हैं, जो कि पेरेंट्स का ये मानना है कि स्टूडेंट की लाइफ से नहीं खेल सकते आप बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम। तो बहुत सारा ये मान के चलिए कि नो नीट इन COVID-19, इस तरह का जो टैग है इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं। हाँ, इसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि आपका नीट एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए, इसका भी सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन इसको कम सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को नहीं होना चाहिए, उनका वैलिड फैक्टर है। कुछ कह रहे हैं कि COVID-19 में बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, स्टूडेंट की लाइफ का सवाल है। इस तरह से बहुत सारी पिटिशंस भी चल रही हैं, स्टूडेंट की भी चल रही हैं, पेरेंट्स की भी चल रही। तो दोस्तों, किस तरह से ये माना जा सकता है कि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ से कैसे आपका शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि 26 ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम होना इस समय की सिचुएशन को देख के पॉसिबल नहीं लग रहा है। उसका कारण क्या है कि अगर आप देख रहे होंगे, एक डिसीज़न और आया है कि जो इंडियन रेलवे का डिसीज़न है कि रेल जो है वो आपकी 12 अगस्त के बाद ही चलनी शुरू होंगी। 12 अगस्त तक सारे जो भी रेल सुविधाएं हैं वो नहीं होंगी। मीन्स एक और मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि नीट कैंडिडेट्स के लिए होता है, जिनका सेंटर दूर जाता है, वो रेल को एज अ मीडियम ट्रांसपोर्ट के लिए रखते हैं, उनके लिए भी ये झटका है कि किस तरह से वो ट्रैवल करेंगे दूसरे स्टेट में, क्योंकि सबके पास खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मीन्स खुद का, उनके पास खुद का गाड़ी नहीं होता है जिससे वो जा सकें, इतनी दूर ट्रैवल कर सकें। बहुत सारे रूरल एरिया के कैंडिडेट्स हैं जिनको शहर में आना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। तो 12 अगस्त तक ये मान के चलिए कि जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं, कम से कम मिनिमम। और उसके बाद भी ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा। मीन्स अगर कोविड के केसेस तब भी बढ़ते चले जाते हैं तो रेल को और सस्पेंड भी किया जा सकता है, और जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्ज़ाम में। अभी मान के चलिए कि CBSE का जो एग्ज़ाम था उसमें बचे हुए पेपर नहीं करा पाई CBSE, तो ये नीट का जो एग्ज़ाम है ये मास रिक्रूटमेंट होता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज के लिए एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, लाइक JEE के लिए, मीन्स JEE का अलग एग्ज़ाम हुआ, नीट में MBBS, BDS, आयुष, वेटरनरी कोर्सेज के लिए, सबके लिए ये एक सिंगल एग्ज़ाम होता है। तो इसको कंडक्ट कराना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होगा, क्योंकि कम से कम 15 से 20 लाख कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होते हैं, और हर किस तरह से मैनेजमेंट ऑफ सेंटर होगा, किस तरह से स्टूडेंट को शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कराया जाएगा, बहुत बड़ा टास्क हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस भी रहेंगे कि मास गैदरिंग हो जाए, किस तरह से गवर्नमेंट सोचती है इसके बारे में ये देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगस्त सितंबर तक ये एग्ज़ाम शायद आपका सस्पेंड हो सकता है, मे बी अगर सितंबर तक सस्पेंड हो सकता है तो ये आपका लास्ट इस ईयर के लास्ट तक जा सकता है एग्ज़ाम।
और जहाँ तक सेशन की स्टार्टिंग है वो फिर किस तरह से मैनेजमेंट होगा MBBS के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेशन का, ये भी देखना होगा, बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों कि क्या सेशन आपके 2021 से स्टार्ट होते हैं या फिर मिड ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होते हैं, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारी प्रोसीजर होते हैं लाइक काउंसलिंग, एग्ज़ाम किस तरह से कोई देखा जाएगा कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसा है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, 2-3 महीने का वो भी टाइम होता है, तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग होगा। किस तरह से MBBS का सेशन स्टार्ट होगा ये भी बात एक जानने वाली है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम तो आपका डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बस ये है कि आपकी प्रिपरेशन जारी रहनी चाहिए, प्रिपरेशन आप रखिए क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको होगा ही होगा चाहे कुछ दिन बाद ही हो, तो इसके चक्कर में ये मत करिएगा कि लाइटली मत लीजिएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है तो आप ढीले पड़े हैं और प्रिपरेशन ना करें, ये बिल्कुल मत करिएगा। एग्ज़ाम आपका होगा लेकिन वो थोड़े टाइम बाद हो सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नीट JEE कैंडिडेट्स के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय गुरु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।